वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पूरी कंप्लीट साइंस जानने वाले हैं हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ एंड फिटनेस का। अगर न्यूट्रिशन के केस में बात करें, जब भी हम कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि हमारा जो डाइजेशन है, जो हम पर्टिकुलर फूड जो खा रहे हैं उसको, उसके हिसाब से हमारा डाइजेशन कैसे काम करेगा। और इसको सिंपल वे में बोलूं कि हमें ये पता होना चाहिए कोई भी फूड हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से वो डिवाइड होता है या फिर बोल सकता है ब्रेक डाउन होता है उसके स्मॉलेस्ट कंपोनेंट के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर सबसे पहले आप ये बताइए कि डाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो होता है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सर मान लेते हैं, सर आपने कंज्यूम किया एक पनीर आपने कंज्यूम किया, ठीक है। तो ये जो पनीर है ना सर, इसके अंदर सर प्रोटीन भी है, इसके अंदर सर कार्ब्स भी है, सर इसके अंदर फैट भी है। सर ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल्स वगैरह बाकी सब चीजें भी है, जब सर ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी, मतलब कि सर प्रोटीन अलग हो गया, फैट अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, बाकी चीजें अलग हो गई, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाना, उसी को बोलते हैं डाइजेशन। तो यही डाइजेशन का असली मतलब होता है और हमारी बॉडी के अंदर इसी तरीके से काम होता है। अब डाइजेशन के अंदर हम जैसे बात करें तो आगे चले, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो पूरा ट्रैक आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या इसको सिंपल फॉर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक के नाम से भी समझ सकते हैं। ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक पर हमारे फूड का डाइजेशन होता है। और ये जो ट्रैक है हमारे एक्चुअल में स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और फिनिश होता है हमारे एनस पर जाकर। लेकिन ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अब हमें यही समझना है कि किस तरीके से कौन सा फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, या सिंपल बोलूं सर प्रोटीन किस तरीके से अपने सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि एमिनो एसिड्स में कैसे ब्रेक डाउन होता है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे ग्लूकोज में या फिर अपने शुगर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है या फिर बोल सकते हैं ब्रेक डाउन होता है। तो सिंपल वे में आपको समझना है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाना उसी को डाइजेशन बोलते हैं। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट अपने शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और आपका जो फैट है वो फैटी एसिड्स के। ये एक बेसिक साइंस है न्यूट्रिशन का। ये साइंस अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो आप अदर वीडियोस देखना, आपको ये सारी चीजें पता चल रही। अब हम चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ये सारा का सारा रेफरेंस मैं पीएन न्यूट्रिशन की बुक से बता रहा हूँ, मतलब कि जो कि वर्ल्ड फेमस एक न्यूट्रिशन कोर्स है, बेसिस न्यूट्रिशन लेवल वन, उस कोर्स का ही एक चैप्टर का एक पार्ट है ये, बहुत स्मॉल पार्ट है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा इस बुक के अंदर जानने के लिए बहुत कुछ है, इस कोर्स के अंदर समझने के लिए जानने के लिए बहुत कुछ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का मोस्ट डिमांडिंग न्यूट्रिशन कोर्स है, बहुत ज्यादा फेमस कोर्स है, तो इसके इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर आप करियर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हैं फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बाकी इस कोर्स की अगर आपको डिटेल लेनी है तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी कोर्सेज के बारे में और हमारे अदर कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सिंपली टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो समझो गाइस, तो हमने भाई इतनी इसी बात समझ ली है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देना, वो तक तो ब्रेक डाउन कर देना, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब सबसे पहले देखो, जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं हमें डाइजेस्टिव ट्रैक हमें दिखाई देता है, हम सोचते हैं कि डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डाइजेशन कभी भी हमारे पहले माउथ से स्टार्ट नहीं होता, डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे सबसे पहले ब्रेन से। आप कहोगे सर कैसे, देखो फूड डाइजेस्ट कब होगा, जब हम फूड कंज्यूम करेंगे, और फूड कंज्यूम कब करेंगे, जब हमारी एपेटाइट होगी। तो ब्रेन सबसे पहले आपकी एपेटाइट को बनाता है, या बोल सकता है एपेटाइट को रेगुलेट करता है, ठीक है। मैं अगर कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक कर लूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये मेरी कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ। बस आपको फीलिंग्स पे जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो ब्रेन हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है कैसे, देखो हमारी जो भूख है ये जिसे आप एपेटाइट बोलते हो, इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा अदर नर्वस सिस्टम होता है इसी तरीके से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी जिसके अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है इसको हम ANS के नाम से जानते हैं। इसकी भी दो ब्रांच होती है, पहली ब्रांच होती है आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, और दूसरी होती है आपकी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ PNS, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की दो ब्रांच होती है। तो होता क्या है, सबसे पहले समझना, मैं आपको समझाऊंगा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जब भी हमारी बॉडी रिलैक्स में होती है या फिर जब हमें भूख लगती है या वो समझ डाइजेशन जब हमारी बॉडी डाइजेशन कर रही होती है या फिर जब हम स्लीप में होते हैं सो रहे होते हैं, मेनली ये सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है ज्यादा। ये इस सिस्टम का काम ही क्या है कि हमारी बॉडी को रिलैक्स मोड में रखना। और इसका उल्टा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको फाइट करने पड़े या फिर भागना पड़े उस सिचुएशन के अंदर ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल और छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊं, जब आप वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पर आपको एनर्जी चाहिए, वहां पर आपको एग्रेसिवनेस चाहिए, तो उसके लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपका डाइजेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा, मतलब कि डाइजेशन उस टाइम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आपकी बॉडी के अंदर जो आपके कैटाबॉलिक हॉर्मोन्स होते हैं, कैटाबॉलिक हॉर्मोन्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब कि जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उस टाइम पर या फिर कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जो वजन विक्रय है, वहां पर ये कैटाबॉलिक हार्मोन एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करती है, फैटी एसिड्स को ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करती है, कुछ इस तरीके से। जब भी ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, जैसे आपको बताया कि आपकी डाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, कैटाबॉलिक एनर्जी क्या हो जाएगी बिल्कुल, मतलब कैटाबॉलिक हार्मोन्स स्टार्ट हो जाएंगे जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कैटाबॉलिक हार्मोन्स। साथ के साथ आपकी एपेटाइट भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, मतलब कि भूख भी मर जाएगी। इसको सिंपल वे में बताऊं तो आपने कभी नोटिस किया हो कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के जस्ट बाद 10-15 मिनट तक आपको कुछ भी भूख नहीं लगती, आपको कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, ठीक है, सिवाय पानी वगैरह, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एक्टिवेट है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब भी आप वर्कआउट के 15-20 मिनट बाद तक वेट करते हैं, फिर आधे घंटे 1 घंटे का वेट करते हैं, तो आपकी एपेटाइट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, या आपको बोल सकते हैं भूख लगती है। क्यों? क्योंकि जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है, बोल सकते हो कि जब ये एग्जॉस्ट हो जाता है सिस्टम पूरी तरीके से, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करता है, तब ये आपको रिलैक्स और या बोल सकते हो एपेटाइट को बढ़ा देता है, तब हम ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। कभी भी आप देखना, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब हो, तो कोशिश करिए कि जस्ट आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन वगैरह कंज्यूम करने से बेटर यह है कि आप एक पूरी कंप्लीट मील लीजिए आधे से 1 घंटे बाद। और आपको चीज और बता देता हूं, अगर आप वर्कआउट के आधे घंटे तक कुछ नहीं खाते, सिंपली बस पानी वगैरह भी पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस टाइम भी फैट लॉस कर रही है, वो भी बहुत तेजी से कर रही है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो बताऊंगा, ठीक है, बट ऐसा होता है। और आधे घंटे में जब आपको भूख लगती है, जब आप खाते हो पूरी प्रॉपर मील लेते हो, तो आपकी बॉडी उस टाइम पर न्यूट्रिएंट को अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर पाते हो और फूड को आप एंजॉय कर पाते हो। ये है साइंस एक्चुअल में, जिसे हम बोलते हैं कि जब आप आगे बढ़ोगे, और जब भी आप समझना, जब भी आपकी बॉडी किसी भी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करके एंजॉय करके खाएगी, तो आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट उतनी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा या यूटिलाइज हो पाएगा। तो भाई ये सिंपल सी चीज हो गई है। तो ये दोनों सिस्टम इस तरीके से काम करते हैं। दैट मींस कि अगर आप स्ट्रेस में हो या कोई भी ऐसा स्ट्रेस है आपकी बॉडी का, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, आपकी भूख बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और जब आपका पीएनएस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो आपको भूख लगेगी, आपको रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी, और आपकी बॉडी जो रिपेयर भी होती है वो इसी सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। तो भाई ये हो गया ब्रेन से। अब होता क्या है, जब भी आप फूड को देखते हो, तो आपका ब्रेन सबसे पहले आपको, मतलब बोल सकते हो कि बॉडी को प्रिपेयर करता है। जैसे मान के चलिए आपके दोस्त, आप सो रहे थे घर पर, एकदम से आपके दोस्त आ जाएं और आपसे चल भाई पार्टी में चल रहे हैं, जब आपको मजा नहीं आएगा एकदम से अचानक से, आप चाहते हो कि पहले थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। इसी तरीके से आपकी बॉडी भी प्रिपेयर होती है। जब आप फूड को देखते हो तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, उस टाइम पर ब्रेन वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। जब आप फूड को देखोगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, और फूड कैसा है आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए कैसा है, मतलब कि जब हमने फूड खाया होगा पहले, तो वो आपको कैसा लगता है, उस हिसाब से आपकी चॉइस के हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। उस टाइम आपके मुंह के अंदर आपको सलाइवा रिलीज होता है, फील होगा, मतलब जो लिक्विड लिक्विड पार्ट है, ठीक है। तो ब्रेन सबसे पहले एक्टिवेट करता है आपकी एपेटाइट को, या बोल सकते हैं डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही ब्रेन से होता है। फिर जब उसके बाद जब आप फूड को ब्रेन फूड को देखता है, तो फिर आपका वहां पर जो दूसरा ऑर्गन है, जो कि ब्रेन की तरह आपके डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट सिस्टम देखोगे, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक देखोगे, तो उसके अंदर ब्रेन ना ही ब्रेन है, ना ही आपका जो दूसरा ऑर्गन इसकी मैं बात करूं वो है नोज, ना ही वो है, सिंपली वो माउथ से स्टार्ट है और आपके एनस तक है, ठीक है। तो जो आपकी नोज है, ठीक है, तो नोज में क्या होता है, जब आपकी नोज है, नोज आपके फूड को स्मेल करने का काम करती है। जब फूड को स्मेल करते हो, तो स्मेल करने के बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और ये चूज करती है कि पहले किस पर्टिकुलर फूड को खाना है।
अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी तीन तरह के फूड डिश आपके सामने रखी है, तो जिसकी स्मेल आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, आपका दिल करेगा पहले उसको खाने का, आपकी बॉडी भी उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करेगी। इसलिए रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जब आप फूड को टेस्टी और हेल्दी दोनों तरीके से बनाते हैं, तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करती है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है। इसका मतलब अगर आपका गोल चाहे फैट लॉस हो चाहे मसल बिल्ड हो, अगर आप फूड को टेस्टी बनाएंगे विद हेल्दी बनाएंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि इन बॉइल्ड फूड को खाने से। क्योंकि अगर आप बॉइल्ड फूड खाओगे, बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी हॉर्मोन्स और एंजाइम्स वो तभी ज्यादा रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी उस फूड को एंजॉय कर पाती। समझ रहे हो, बहुत डीप साइंस है। अब नोज का काम क्या होता है, स्मेल करना, इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑल्फैक्शन। तो जब आप फूड को सूंघते हो, उस हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। एक और टर्म होती है, उसको बोलते हैं हम रेट्रो या रेट्रो ऑल्फैक्शन। ठीक है, हो सकता है मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं, आपको दिख जाएगी, रेट्रो ऑल्फैक्शन। इसमें क्या होता है, जब आप फूड को स्वेल करते हो, मान लो आपने खाना खाया, चबा रहे हो, और चबाते चबाते जब उसको स्वेल करते सटकते हो, उसके बाद जो फूड आपके फूड पाइप्स होते हुए नीचे जाता है, तो आपको बैक स्मेल आती है। वो बैक स्मेल से आपको फूड और ज्यादा टेस्टी लगता है, तो इस वजह से आप फूड को ज्यादा देर तक च्यू भी कर पाते हो। तो ये नोज का और आपके ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है आपके किसके अंदर, आपके डाइजेशन के अंदर। अब हुआ क्या, अब यहां से ये दोनों ने अपना काम स्टार्ट किया। अब आता है असली गेम, कि जहां से अब आपका माउथ से स्टार्ट होगा डाइजेशन, जो आप बोल सकते हो कि यहां से आपको डाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप फूड खाना स्टार्ट करते हो अपने माउथ से। ठीक है, तो जब आप फूड को खाते हो, सबसे पहले क्या होता है, देखो पहले आपके माउथ में देखो क्या क्या प्रेजेंट है। आपके माउथ में देखो एक तो टीथ प्रेजेंट है, ठीक है, आपके माउथ के अंदर भाई टंग प्रेजेंट है, आपके माउथ के अंदर आपका सलाइवा प्रेजेंट है, जो कि लिक्विड पार्ट है, जिसको आप थूक भी बोल देते अपनी लैंग्वेज में। जो टीथ है ना, हमारे ओमनीवोर है, हम ओमनीवोर बेसिकली वो होते हैं जो ग्रास या वो सब, तो जो वेजिटेबल्स और मीट दोनों खा सकते हैं। टंग हमारी जो होती है उस पर बेसिकली टेस्ट बर्ड्स होती है, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होती है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है टेस्ट को डिटेक्ट करने में, ठीक है, और साथ के साथ वो फूड को हमारे हेल्प करती है मिक्स करने में सलाइवा के साथ, ठीक है। और जो ये सलाइवा है, ये सलाइवा हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड पार्ट जो रिलीज होता है, ये वो है। अब ये जो सलाइवा है ना, ये जो लिक्विड पार्ट है, बेसिकली इसका 95% तो ये लिक्विड ही होता है, मतलब कि वाटर होता है। इसके अलावा जो बाकी चीजें होती है, वो होती है आपके एंजाइम्स, ग्लाइकोप्रोटीन, एक टाइप के प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बोलता है मैं तो, जो कि आपका ग्लूकोज और प्रोटीन से बनता है। दो तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज, और एक होता है आपका सलाइवरी लाइपेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज और लाइपेज क्या, इसको समझते हैं। पहले से पहले समझो, ये जो सलाइवा है लिक्विड पार्ट है, इसको रिलीज करने के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं जो इसको रिलीज करते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बेसिकली वो ग्लैंड है जो आपका सलाइवा रिलीज करते हैं, एक टाइप के ऑर्गन है जो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। मेजरली तीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। तो ये जो तीन ग्लैंड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है, लेकिन ये तीनों के तीनों आपके क्या करते हैं, ये आपके सलाइवा रिलीज करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 1000 समथिंग आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं आपके माउथ के अंदर, बहुत छोटे छोटे, जो कि आपको विजिबल नहीं होते, वो भी सलाइवा रिलीज करते हैं। ये जो सलाइवा है, सलाइवा एंजाइम, ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीबॉडीज टाइप की कुछ बोल सकते हो चीजें, वो होती है जो आपके बैक्टीरिया को किल करती हैं। लेकिन इस सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है, वो होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवरी लाइपेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बोहाइड्रेट के। तो आप बोल सकते हो कि हमारे जो माउथ के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब कार्बोहाइड्रेट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, अगर आपने सुना हो स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी एक टाइप का फाइबर कार्बोहाइड्रेट है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जिस टाइप कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से सबसे पहले स्टार्ट होता है, वो होता है स्टार्च। तो स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से सबसे पहले स्टार्ट होता है। स्टार्च आपको मिलता है आलू में, जब आप पोटैटो खाते हो तो उसका डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और जो सलाइवरी लाइपेज है, ये आपके फैट्स की ब्रेक डाउन के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब कि फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है कि जो फैट होते हैं, जिसकी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरीके से ये फैट की जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती है, इनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन चलता है, ऐसे यहाँ पे ब्रेक डाउन चलता है। तो हो सकता है जो लॉन्ग लॉन्ग चेन होती है, स्मॉल स्मॉल चेन में टूट जाती है, अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट। तो होता क्या है कि जैसे जो फैटी एसिड्स की जो चेन्स है, ठीक है, जब वो स्मॉल स्मॉल चेन में टूट जाती है, अभी पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट डिवाइड या कार्बोहाइड्रेट फैट है पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, अब आपने क्या देखा कि भाई आपने फूड को चबाया, चबाया तो क्या हुआ सर, वो चबाया तो आपका सलाइवा और जो फूड है वो आपस में मिक्स हो गया।
जब फूड और सलाइवा आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उस टाइम जब माउथ के अंदर जो बन गया पदार्थ या जो सब्सटेंस बन गया है उसको हम बोलते हैं बोलस। अब आप इसको फूड नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे? बोलस। अब ये जो बोलस है ना, इस बोलस को अब ये बोलस कहा जाएगा, ये बोलस आपके फूड पाइप से होते होते आपके स्टमक में जाएगा। नोट करने वाली बात, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन तो हमने देखा माउथ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोटीन का नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। तो जब आप बोलस को स्वेल करते हो तो सबसे पहले बात समझना, जब भी आप फूड को स्वेल करोगे तो स्वेल करने के टाइम पे फूड जो है आपके फूड पाइप से होते हुए नीचे आता है, आपके फूड पाइप से जस्ट आगे आपका है विंड पाइप। तो ये जो विंड पाइप और फूड पाइप दूसरे आगे पीछे, जब आप फूड को स्वेल करते हो तो ये आपके विंड पाइप में ना जाए तो एक पार्ट और होता है उसके अंदर जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। वो क्या करता है, जो आपका विंड पाइप का जो पाथ है उसको ब्लॉक कर देता है जब आप फूड को स्वेल करते हो, ताकि वो आपके ट्रैकिया में ना जाए। ट्रैकिया वैसे आपका विंड पाइप होता है, तो वो उसको क्लोज कर देता है फूड। मतलब जब आप फूड को स्वेल करते हो ऑटोमेटिकली ऊपर जाके चिपक जाता है। आपने अपने अगर देखा होगा मुंह के अंदर, अगर देखो आपको मुंह खोल के तो आपको दिख भी जाएगा वो चीज, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो फूड आपके जब आपके फूड पाइप से नीचे आता है, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, हम अपने फूड पाइप को क्या बोलते हैं, फूड पाइप को हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर आपको इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, हम इसको इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस। तो ये जो इसोफेगस है ना, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फूड पाइप के थ्रू आप फूड को नीचे आने लगता है आपके स्टमक के अंदर, अब सोचने वाली बात ये है कि अब फूड एकदम से गिर जाता है, नहीं, फूड एक पर्टिकुलर मूवमेंट में नीचे आता है, क्योंकि वो जो फूड पाइप की जो मसल्स वो बनी इस तरीके से कि वो फूड को कंट्रोल करके नीचे लेके आए, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आप सर के बल भी खड़े होकर फूड को सटती है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आपका फूड आपके बॉडी के अंदर नीचे जाता रहेगा, क्योंकि वो मसल्स काम कर रही है उसको करने का, और उस काम को करने के लिए भी मसल्स को एनर्जी लग रही है। ठीक है, और ये सारा काम कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब समझने वाली बात यह है कि सर ठीक है, जो सर फूड पाइप से आपका अगर आप बोलो तो आपका जो फूड है अब आपके फूड पाइप से आपके स्टमक में एंटर कर रहा है, तो जब आपके फूड पाइप से स्टमक में एंटर करेगा तो वहां से एक तरीके से जो बीच में जो उनके बीच में जो जंक्शन है या बोल सकते हो वो चीज जहां पे दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है, जहां से फूड एंटर करता है उसको बोलते हैं लोअर इसोफेगल स्पिंचर। क्या बोलते हैं? लोअर इसोफेगल स्पिंचर। बेसिकली ये वो गेट है जहां से फूड आपके स्टमक में एंटर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर रहा है। जब फूड आपके स्टमक में एंटर करेगा और स्टमक की जो शेप है जे शेप्ड होती है, तो फूड अंदर आ रहा है तो बाहर भी जा सकता है, सोचने वाली बात है, और जाता भी जब हम वॉमिटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? जब हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारी बॉडी का एबनॉर्मल होती है। अब समझने वाली बात यह है कि जब फूड आपके किस में आ गया है, आपके स्टमक में आ गया है, जिसको हम इस टाइम फूड को हम बोलस बोल रहे हैं। अब मैं हर जगह बोलस का वर्ड इस्तेमाल करूँ जब तक वो फूड स्टमक के अंदर, तो बोलस जैसे आपके स्टमक में आएगा तो स्टमक के अंदर भी बेसिकली आपके एक शेप है, ठीक है, जे शेप है, और उसके अंदर क्या आप देखोगे कि स्टमक के सबसे अंदर की जो लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो ये आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, ये जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, जिसको हम बोल सकते हैं आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये रिलीज करती है कुछ जूसेस, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। बेसिकली आप बोल सकते हो एक तरीके से एंजाइम्स। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है, इसको रिलीज कौन कर रहा है? इसको कर रहा है म्यूकोसा सेल। अभी गैस्ट्रिक जूसेस में होते क्या है? इसके अंदर आपके जैसे पेप्सिन एक एंजाइम है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ के साथ आपका पेप्सिन के साथ साथ यहां पर प्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर आपका लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों चीजें आपके रिलीज हो रही है गैस्ट्रिक जूस के अंदर से। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसको रिलीज कौन कर रही है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, समझना, ये मेम्ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनी है। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई पेप्सिन कौन रिलीज कर रहा है, तो बेसिकली जो पेप्सिन रिलीज कर रहा है वो करती है आपकी चीफ सेल्स जो होती है, टाइप की सेल्स है, वो रिलीज करती है पेप्सिन। अगर आपको इतना याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। HCl आपकी कौन रिलीज है? HCl रिलीज कर रही है आपके पेरिटल सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो लाइपेज है, इसको भी रिलीज कर रही है आपकी चीफ सेल्स। तो ये जो चीफ सेल्स है, और ये जो पेप्सिन है, और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है, बेसिकली गैस्ट्रिक जूसेस का पार्ट ही ये तीनों चीज है। बट फर्क क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बनी है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है, ये अलग अलग सेल से रिलीज हो रहा है ये गैस्ट्रिक जूसेस साथ में। अब सर ये होता क्या है, यहाँ पे क्या फंक्शन, क्या काम होगा? देखो समझना, जब आप कह रहे हो कि सर ये जो बोलस है जब आपके स्टमक में जा चुका है तो होगा क्या, इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो बोलस है ना, अभी मिक्स हो जाएगा आपके गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। क्या होगा? आपके गैस्ट्रिक जूसेस के साथ ये बोलस क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। अभी जब बोलस गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होगा तो सर आगे का फर्दर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, देखो
ये जो पेप्सिन है ना, जो आपने बोला था सर पेप्सिन, ये तो आपके प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। प्रोटीन का डाइजेशन का मतलब क्या है सर, कि जो प्रोटीन के बीच में जो एमिनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या बोल सकते हो सर ये जो एमिनो एसिड्स की जो चेन होती है, ये जो लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस साथ साथ सर जो आपका लाइपेज है, आपका लाइपेज आपके फैट के डाइजेशन को स्टार्ट करेगा, मतलब फैट फैट डाइजेशन को आगे बढ़ाएगा। ऊपर भी फैट का डाइजेशन हुआ, यहां भी हुआ, तो यहां पे क्या होगा सर, फैट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और भी ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे HCL है, जो कि कौन रिलीज कर रहा है आपका, आपका कर रही है पेरिटल सेल। तो ये जो HCL है सर, HCL क्या करेगा, HCL काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सर। ये एसिड क्या कर रहा है हमारे स्टमक के अंदर, मैं आपको बताया था बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये जो एसिड है ना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो पेप्सिन एंजाइम है या फिर अदर एंजाइम है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम काम तभी कर पाएंगे जब हमें एसिडिक एनवायरमेंट मिलेगा, हम चाहते हैं एनवायरमेंट थोड़ा एसिडिक हो। तो HCL क्या करता है, इन दोनों एंजाइम को एक तरीके से एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और फिर आगे फर्दर डाइजेशन को स्टार्ट करता है। तो विदाउट एसिडिक मीडियम पेप्सिन काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब सोच के देखो यार, पेट में एसिड बन रहा है तो भाई पेट जल भी सकता है, हमारा बर्न भी हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए हमारे स्टमक के अंदर वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन, वो इसका प्रोटेक्शन का काम भी करती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में गई। अब क्या होगा सर, सर प्रोटीन का डाइजेशन भी हो रहा है, लाइपेज फैट का डाइजेशन भी हो रहा है, सर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, सर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हमने देखा स्टमक में भी हमारे हुआ था, अभी हम और सुना दीजिएगा वहां पे आपको और पता चलेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब सर सिंपल सा है, अब हम क्या जाएंगे, अब देखेंगे कि जो फूड के साथ जो भी बोलस के साथ जो गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो चुका है और ये सारे काम हो चुके हैं, तो अब ये सर ये जो बोलस है ना, अब ये बन चुका है आपका काइम। क्या बन चुका है सर, काइम। अब आप इसको गैस्ट्रिक जूस नहीं, अब इसको आप बोलस नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे काइम। अब ये जो काइम है अगेन, क्योंकि अभी आपके स्टमक में बन चुका है काइम, ठीक है, अब स्टमक में काइम बन चुका है, तो काइम आगे ट्रैवल करेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ट्रैवल करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, तो यहां पर ये एंटर करेगा जो एक वही सेम जो जंक्शन जहां पे दोनों मिल रहे हैं, स्पिंटर के थ्रू एंटर करेगा यहां पे आपके इंटेस्टाइन के अंदर। अब फूड आपके इंटेस्टाइन, अब आपके लार्ज स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है, जब फूड वहां पे एंटर करेगा तो क्या होगा, वहां पर जैसी फूड एंटर करता है, सबसे पहले चीज ये है कि हमारे ना दो ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, जिसका हम और आगे भी फंक्शन और अच्छे से बताऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। दो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स वही जिनका काम हॉर्मोन्स या एंजाइम्स बनाना होता है, जैसे एक आपका है लिवर और एक है सर आपका पैनक्रियास, ये दोनों मिलकर अपना काम, ये दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या काम स्टार्ट करते हैं सर, ये दोनों के दोनों अपने अपने जूसेस, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है बाइल डक के अंदर, जो कि लिवर का ही पार्ट है, बाइल डक क्या लिवर का ही पार्ट है, उसके अंदर स्टोर होता है, बाइल जूस सर, लिवर तो अपना बाइल जूस और पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं दोनों के दोनों अपने, कहां पर सर, दोनों के दोनों अपने रिलीज करते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट के अंदर सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर, ड्यूडेनम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो सबसे पहला वाला पार्ट होता है जो कनेक्ट होता है पाइलोरिक स्पिंचर से, उसके अंदर अब वो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, वहां पर रिलीज कर देते हैं। ठीक है सर, फिर क्या होगा सर, जब वो वापस को रिलीज कर देंगे अपने बाइल जूसेस को या अपने पैनक्रियाटिक जूस को, तो ये अपना काम शुरू करेंगे। अच्छा, तो सर ये जो लाइपेज तो पता है सर, लाइपेज तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा सर, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन क्या है सर, ये ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा आगे, और जो आपके जो एमिनो एसिड्स है उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन यहां पे करेगा ये। ठीक है जी, ये सर, सर ये जो बाइकार्बोनेट इसका काम क्या है, इसका मतलब समझाते हैं। देखो, जब फूड आपके स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में आया, जाहिर सी बात है वो आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस का मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से वो एसिडिक बन चुका था। अब इंटेस्टाइन में आने के बाद भाई वो एसिडिक नहीं रहना चाहिए, वरना वहां पे वो काम नहीं हो पाएगा आगे का, तो उसको एसिडिक से लेस एसिडिक, या बोल सकते हो लेस एसिडिक वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, लेस एसिडिक बनाने के लिए बाइकार्बोनेट रिलीज होता है जो नेचर में बेसिक होता है, या बोल सकते हो एल्कलीन होता है। तो ये क्या करता है, उसको कम एसिडिक कर देता है, इतना कर देता है कि हम उसको आगे के प्रोसेस में स्टार्ट कर सकते। फिर सेम ये सारे प्रोसेस होते हैं सर, ये अपने अपने काम कर देते हैं। ठीक है जी, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमीनो एसिड्स को प्रॉपर ब्रेक डाउन करता है, मतलब कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करता है सेम, और पैनक्रियाटिक लाइपेज आपके फैट को करता है। ठीक है जी, और सर ये तो हो गया, ये समझ में आ गया, इतना इतना इनका काम समझ में आ गया। लेकिन सर ये जो बाइल जूस है ये क्या कर रहा है सर, बाइल जूस का काम क्या है, देखो यहां पर जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचोगे तो आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब डाइजेशन का मतलब क्या था सर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ देना, मतलब कि सर कार्बोहाइड्रेट अपने सैकेराइड्स या शुगर मॉलिक्यूल में टूट चुका है बिल्कुल सिंगल सिंगल, प्रोटीन अपने एमिनो एसिड्स में टूट चुका है सर, जो फैटी एसिड्स है वो फैटी एसिड जो आपके फैट्स है आपके फैटी एसिड्स में टूट चुके हैं, लेकिन जो फैटी एसिड्स है वहां पर कोई स्मॉल चेन भी होंगी, कोई लार्ज चेन भी होंगी। ठीक है, पूरा कंप्लीटली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहां पर जो फैटी एसिड्स के अंदर है क्या, कि
बिल्कुल सिंगल मॉलिक्यूल में, या तो कुछ सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल में टूट चुके हैं या कुछ स्मॉल स्मॉल चेन में टूट चुके हैं। अब ये ही यहां से आगे का प्रोसेस है। क्यों? देखो अब हम आपको पता हो थोड़ा बहुत भी कि जो आपका बाइल जूस है, ठीक है, या फिर अगर हम आपको बोलूं आपका जो ये फैट्स है, फैट जो है ना, फैट आपके ना वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। आप चाहे तो ऑयल को डाल के देख लो वाटर के अंदर, सोल्यूबल नहीं होगा। तो जब तक वाटर के अंदर वो सोल्यूबल ही नहीं होगा, तो किस तरीके से वो जो फैट है वो आगे जाके ट्रांसफर हो पाएगा, ब्लड में जा पाएगा? जब तक वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बॉडी में जा नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कोई स्मॉल चेन में होता है, कोई लार्ज चेन में होता है, ठीक है। तो जो आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स होती है, मतलब आपकी इंटेस्टाइन, अभी आपका फूड आपके कहां पर है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर ही है। तो सर इंटेस्टाइनल जो सेल्स होती है, हर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं। तो जो लोग पीएन न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हैं ऑलरेडी, मिस उनको बताया कि सेल के अंदर एक पार्ट होता है जो बोलते हैं आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है सिंथेसिस का, स्पेसिफिकली प्रोटीन बनाने का। वो क्या करते हैं, सिंपल से समझो वो क्या करते हैं सर, कि जो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, जैसे आपके इंटेस्टाइन के अंदर फैटी एसिड्स हैं, फैटी है, वो उसको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, उसको अंदर एंट्री करा लेते हैं और उसको फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर दे, उसको कन्वर्ट कर देते सिंपली आपका काइलो माइक्रोन्स के अंदर। अब वो काइलो माइक्रोन्स को सिंपली क्या है कि वो ट्रेवल कर सकते हैं। काइलो माइक्रोन्स क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। काइलो माइक्रोन एक टाइप का लाइपोप्रोटीन होता है, बस ये छोटे प्रोटीन होते हैं। अब सर ये लाइपोप्रोटीन क्या है समझाओ? सर लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक फैट का मॉलिक्यूल और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो कि सोल्यूबल नहीं होता है वाटर के अंदर। इसका मतलब अब ये जो फैटी एसिड्स जो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स ने इनको कन्वर्ट कर दिया काइलो माइक्रोन्स के अंदर, अब ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते। अब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होंगे कि अभी आपका आप वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं विली, या विलाई भी बोल सकते हैं, मैं तो इसको विलाई भी बोल देता हूं, और इसके अंदर भी होता है स्मॉल विलाई। इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि इससे जुड़ी होती है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स होती है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है न्यूट्रिएंट्स को यहां से लेती है, यहां से लेती है, यहां से लेती है, यहां से लेती है, मतलब कहने का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या कि सर यहां से यहां जाएंगे ब्लड के अंदर। अभी ब्लड में सिंपल समझ लो ब्लड वेसल्स है, इसके आगे क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अब समझने वाली बात यह है कि सर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट हो गए, स्मॉल बिल्कुल पार्टिकल में टूट गए, अब वो सिंपली यहां पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ केस में होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने पानी पिया है, तो पानी तो सिंपली आपने पिया और आपके अगर बॉडी के अंदर डिमांड होगी या फिर बोल सकते हो अगर यहां पे वाटर ज्यादा है और यहां पे ब्लड में वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, मात्रा कम है, तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा सिंपल तरीके से। इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजल, मतलब कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक तरीके से अगर आप देखो कि वॉल है जिसको मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, तो किसी भी न्यूट्रिएंट को इसको पार करके इसमें आना है, क्योंकि एक दूसरे अटैच है, मान लो इस तरीके से, तो इसमें आने के लिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका मे बी सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम आराम से यहां से आ जा सकता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। लेकिन जो अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, जैसे आपका फैट हो गया, फैट तो आपका काइलो माइक्रोन्स के थ्रू जा रहा है जिसके अंदर एक प्रोटीन हेल्प कर रहा है उसको सोल्यूबल बनाने में, सेम इसी तरीके से फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीजें। तो आपका जो एक तरीके से जो आप देखोगे एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के ऊपर, और उस एब्जॉर्प्शन को कराने के लिए पर्टिकुलर चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसके अंदर कोई एक अदर न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट का हेल्प करता है। इस पर हम ज्यादा टिपिकल नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इसको पूरा एक अलग टॉपिक बनाऊंगा जब मैं इस प्रॉपर पार्ट को पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से कौन सा न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में एंटर करता है, या किस तरीके से आप अपने एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं कि आपका ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में रिजॉल्व हो पाए, मतलब आपकी आपके ब्लड में जा पाए, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि यहां पर न्यूट्रिएंट आपके एब्जॉर्ब आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। बस फैट्स जो होते हैं, फैट जो होते हैं, जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती हैं, वो आपका जाती हैं आपका लिम्फेटिक वेसल के थ्रू, जिसको हम लैक्टेल्स भी बोलते हैं, मतलब कि जैसे ब्लड वेसल्स होती है तो ब्लड की वेसल्स हैं, ऐसी कुछ वेसल्स होती है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, जिसको और सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं आपका लैक्टेल, क्या बोल देते हैं लैक्टेल। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल होती है बेसिकली एक टाइप की एक ऐसा पदार्थ लेके चलती है, मतलब उनके अंदर होता है जो कि चिपचिपा सा होता है। आपने कभी देखा आपका कोई हाथ जल गया हो तो आपने देखा कोई लिम सा आपके मतलब कि चिपचिपा सा पदार्थ आपको अपनी स्किन पे दिखाई देता है, या कभी चोट लग गई हो कहीं पे गिर गए हो तो भी आपको चिपचिपा सा पदार्थ अपने स्किन के नीचे दिखता है, वो बेसिकली होता है लिम। और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारी बॉडी को जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो
हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, उसको मारने का काम करता है। तो ये लिम्फ वेजल्स होते हैं, इसको हम लैक्टेल्स बोलते हैं, मतलब कि लिम्फ की जो वेजल्स हैं, जो कि नसें, एक तरीके से नसें नहीं बोलेंगे बेसिकली, हाँ नसें बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपका लिम्फ है, ठीक है, जो कि बना ही पैड्स होते हैं एक तरीके से, तो उसको उसको हम लैक्टेल भी बोल देते हैं। तो वो जो लिम्फ वेजल, उसके थ्रू तो आपके लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सेवल करती है, कहा जाती है, आपको बताऊंगा। यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सिर्फ फैटी एसिड्स को छोड़कर बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होकर आपके पोर्टल वेन के थ्रू जाएंगे ब्लड के, मतलब पोर्टल वेन के ब्लड की एक वेजल्स है जिसका नाम है पोर्टल वेन, उसमें जाएंगे पहुंचेंगे लीवर के पास। और जब आपके लीवर के पास पहुंचेंगे तो वहां पर होगा दो काम। पहला काम होता है सिक्योरिटी चेक, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, भाई देखा जाता है कि आप लगेज लेके जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज लेके जा रहे हो जो हार्मफुल हो या डेंजर हो या फिर कोई हथियार तो नहीं लेके जा रहे। उसके बाद आपका जो लीवर है उसमें एक काम करता है, वो काम क्या करता है कि जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसको आगे भेजने के लिए उसको सिंथेसिस या फिर ब्रेकडाउन करता है। जैसे और सिंपल वे बोलू, अगर मान लो आपने फैटी एसिड्स आपके गए, क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैं वो गए, तो बॉडी कन्वर्ट कर देगी ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, इसमें कन्वर्ट कर देगी ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, जो कि एक टाइप के फैटी होते हैं, बट ये डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, मतलब ट्रेवल कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका तीन फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि अटैच होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, ये लीवर बना रहा है इसको। तो आपने सुना भी होगा कि ट्राइग्लिसराइड्स हमारे लीवर भी बनाता है और हम डाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये तो काम यहाँ पे कौन सा काम है, सिंथेसिस का, ताकि बॉडी इसको आगे ट्रेवल करा सके। दूसरा होता है ब्रेकडाउन का, अगर आपने मान के चलिए आपने अगर फ्रक्टोज शुगर खाई होगी या फिर लैक्टोज खाई होगी या फिर माल्टोज कोई भी शुगर खाई होगी, लीवर पहले इसको कन्वर्ट करेगा आपके ग्लूकोज के अंदर। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि अगर हमने किसी भी टाइप की अगर शुगर खाई होगी, लीवर पहले से कन्वर्ट करेगा आपके ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि बॉडी सिर्फ इसी को ही जानती है एनर्जी के तौर पर यूज करना। अगर कोई भी शुगर है तो सिर्फ इसी शुगर को यूज कर सकती है बॉडी ग्लूकोज। तो डॉक्टर आपको चढ़ाते हैं ग्लूकोज की बोतल है ना कि फ्रक्टोज की बोतल है, जो ग्लूकोज शुगर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इसके बारे में और डीपली जानना चाहते हो तो जो हमारा फ्री फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स है वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है कुछ टाइम के लिए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, सर इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं जितना हम सिंपल सोचते हैं। यहाँ पर हमारे जो दो इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स है, लीवर और पेनक्रियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ से न्यूट्रिशन का हमारा एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब बाकी बचा वेस्ट। अब जो वेस्ट है वो आपके जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वहां भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी जो बचा होता है, बाकी उसके बाद आपका जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने इतना सिंपल इजी वे में आपको बताया, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जानने वाली, जो कि आप पेसिस न्यूट्रिशन के डेवलपमेंट कोर्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक यूएस का कोर्स है, अमेरिका का कोर्स है और जिसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड है। अब कुछ बातें आपको और बता देता हूँ जो शायद आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर फूड आपके स्टमक में एंटर करता है, ठीक है, तो इस कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर या फिर बोल सकते हो फूड एलर्जी की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से आपकी बॉडी या आपका स्टमक ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एसिड है वो ऊपर की तरफ ओवरफ्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। इसके अंदर आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी अपने थ्रॉट के अंदर, आपने जिसको बोलता है कि गले में जलन हो रही है। अगर ये चीज किसी फूड की वजह से हो रही है तो एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन में इसको मानते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी फूड से आपको एलर्जी होगी और वो फूड सही ना हो। लेकिन अगर ये विदाउट किसी फूड के, बिना किसी रीजन से अगर ये हो रही है, तो एक्सट्रीम केसेस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज होती है, एक टाइप की आपकी डाइजेशन रिलेटेड डिसीज है, ठीक है। जैसे आपकी एक IBS होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हम इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल डीपली बात करेंगे। अभी तो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, जब मैं इस पर्टिकुलर डिसीज को पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसका क्योर्स भी आपको बताऊंगा यूट्यूब चैनल पर ही। लेकिन अगर वही अगर एडवांस जानना है तो आपको कोर्स में आना पड़ेगा, कोर्स में ये चीज जाननी पड़ेगी। और अगर करियर स्टार्ट करना तो इससे बेस्ट टाइम कुछ है, क्योंकि अभी जो हमारे तीनों कोर्स है, आपका सबसे पहले एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का प्रिपरेशन कोर्स, PN न्यूट्रिशन लेवल उनका प्रिपरेशन कोर्स, और तीसरा आपका अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स, ये जो तीनों कोर्स है, इन तीनों कोर्सेज की जो वैल्यू है वो टोटल 90K है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए जो हमारा अभी करंट में बैच है, वो भी अभी हमारा नया अल्टीमेट जिम ट्रेनर का पहला हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और जब तक जो लोग उस बैच से पहले पहले एनरोल कर लेंगे तो सभी लोगों को ये कोर्स सिर्फ 40K में मिलेगा, 40,000 रुपये में तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे, जिनकी कोर्सेज की वैल्यू 90,000 रुपये है। और ये बहुत बेस्ट ऑफर है अभी तक का। जो लोग काफी टाइम से यूट्यूब चैनल पर हैं हमारे, जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन देखी है अभी तक, बस सोच रहे हैं कि स्टार्ट करें, मैं आपको फिर बोलता हूँ अगर अभी भी नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि बैच ज्वाइन करिए,
और डेफिनेटली आप जब इस कोर्स को कर लेंगे, तीनों कोर्स को कर लेंगे, आप अपने लाइफ में एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। फिटनेस जो आपके लिए पैशन है उसको प्रोफेशन में बदल पाओगे, साथ के साथ एक अच्छा अमाउंट कमा पाओगे, अच्छे पैसे कमा पाओगे महीने के। और ये एक ऐसा काम है जिसको आप कहीं से भी बैठे बैठे कर सकते हो, आप चाहे जॉब करके कमाना चाहो, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके कमाना चाहो, चाहे आप एक ऑनलाइन ट्रेनर बनकर कमाना चाहो, चाहे आप टीचर बनकर कमाना चाहो, किसी भी तरीके से अर्निंग कर सकते हो फिटनेस के अंदर। और बहुत रेस्पेक्टफुल फील्ड बन चुका है इसके टाइम के अंदर, और आने वाली इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो एक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है। तो जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करिए, टाइम मत वेस्ट करिए। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से, उम्मीद है कि आप लोगों सभी से हमारे जो न्यू बैचेस उसके अंदर मुलाकात होगी, बाकी तो किसी और अदर वीडियो में तो आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक टेक केयर, बाय बाय।